हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में मैं आपके लिए रेलवे एलपी टेक्नीशियन एग्जाम के लिए बेस्ट क्वेश्चन लाया हूं, जो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। ये वीडियो का पार्ट नंबर 2 है। यदि आप इसका एक भी पहला वीडियो नहीं देखे हैं तो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर आप वहाँ से देख सकते हैं। ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा दोस्त, यदि आप 2024 में रेलवे एलपी टेक्नीशियन की तैयारी कर रहे हैं तो। ठीक है, तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। इसमें जितने प्रश्न लाए गए सारे सिलेक्टेड प्रश्न आपकी परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए लाया गया है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है, किसी तत्व का रासायनिक गुण निर्भर करता है, किस पर निर्भर करता है फ्रेंड, बताइए फटाफट। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। करेक्ट आंसर हो जाएगा परमाणु संख्या पर। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर रहेगा। चलिए इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं फ्रेंड। मैं सभी प्रश्नों का इंपॉर्टेंट पॉइंट लेकर आया हूँ, जिससे आपको एक्स्ट्रा जानकारी मिल सके, हो सकता है उसी से प्रश्न पूछा जा सकता है। तो चलिए इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। यहाँ पर दिया गया है, किसी तत्व के रासायनिक गुण जो होते हैं उस तत्व की परमाणु संख्या पर निर्भर करते हैं। रासायनिक गुण इलेक्ट्रॉनों की संख्या और उस तत्व के अणु की संयोजन क्षमता के विन्यास पर निर्भर करते हैं। इस पॉइंट को भी याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपकी परीक्षाओं की दृष्टि से और बहुत बार एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। ठीक है, तो चलिए दोस्तों आगे प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न है, पानी में से कार्बन डाइऑक्साइड गुजरने पर प्राप्त सोडा वाटर होता है, कौन सा सोडा वाटर प्राप्त होता है फ्रेंड, बताइए फटाफट। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा प्रकृति में अम्लीय प्राप्त होता है। ठीक है, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ये प्रश्न बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, प्रकृति में अम्लीय प्राप्त होता है, जो सोडा वाटर प्राप्त होता है हमें ना, वो प्रकृति में अम्लीय होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। लैक्टिक एसिड किसमें पाया जाता है बताइए फ्रेंड। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा दूध में। लैक्टिक एसिड जो होता है वो दूध में पाया जाता है या मिल्क में। ओके फ्रेंड, तो चलिए इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं एक्स्ट्रा जानकारी के लिए। यहाँ पर आपको दिया गया है, दूध में लैक्टिक अम्ल पाया जाता है, इसका आणविक सूत्र जो होता है CH3CHOHCOOH। यह अत्यधिक सफेद और जल में घुलनशील होता है। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हाइड्रॉक्सिल समूह से आसन्न कार्बोक्सिल समूह की उपस्थिति के कारण यह एक अल्फा हाइड्रॉक्सी अम्ल AHA है। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, हाइड्रॉक्सिल अम्ल है AHA। ठीक है, और यहाँ पर यह दूध के किण्वन द्वारा निर्मित होता है। ठीक है, लैक्टिक अम्ल जो होता है यह दूध के किण्वन द्वारा प्राप्त होता है। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपकी परीक्षाओं के लिए। यहाँ पर देख लेते हैं अम्ल का नाम और सामान्य स्रोत कौन कौन से हैं। यहाँ पर दिया गया है टार्टरिक अम्ल, तो यह अंगूर और इमली में पाया जाता है। लैक्टिक अम्ल दूध, दही या दूध में पाया जाता है। फार्मिक अम्ल जो होता है फ्रेंड, मधुमक्खियों और लाल चींटियों के डंक में पाया जाता है। गैस्ट्रिक अम्ल या SCL जो होता है मनुष्य के आमाशय में पाया जाता है। आगजेलिक अम्ल टमाटर में पाया जाता है। ठीक है, चलिए आगे आगे दिया गया है आपको, सिट्रिक अम्ल या स्कार्बिक अम्ल किस में पाया जाता है, संतरा नींबू या आंवला में। ठीक है, एसिटिक अम्ल सिरका में पाया जाता है। ठीक है फ्रेंड, तो आप सभी पॉइंटों को याद रखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपकी परीक्षाओं की दृष्टि से। चलिए फ्रेंड अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है, रक्त का कितना प्रतिशत मात्रा प्लाज्मा होता है बताइए फ्रेंड। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 55। 55% होता है, आप इसको याद रखिएगा। ठीक है, रक्त का जो प्लाज्मा भाग होता है वो 55% या 60% के बीच होता है। ठीक है, तो यहाँ पर 60% नहीं दिया है, तो आपको 55 मारना होगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला है, निम्नलिखित में से कौन मिल्क ऑफ मैग्नीशिया है बताइए फ्रेंड, कौन मिल्क ऑफ मैग्नीशिया है बताइए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। राइट आंसर होगा मैग्नीशियम हाइड्रॉक्साइड, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए इसके इंपॉर्टेंट की देख लेते हैं। यहाँ पर दिया गया है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया जो होता है मैग्नीशियम हाइड्रॉक्साइड को बोला जाता है। MgOH2 सूत्र होता है। ठीक है, MgOH का होल ट्वाइस सूत्र होता है। ठीक है, आप इसको भी याद रखिएगा। एक एंटासिड के रूप में मैग्नीशियम हाइड्रॉक्साइड सरल निराकरण द्वारा काम करता है, जहाँ पानी का उत्पादन करने के लिए पेट में पार्श्विका कोशिकाओं द्वारा हाइड्रोक्लोरिक एसिड के रूप में उत्पादित अम्लीय H+ आयन MgOH के होल ट्वाइस के हाइड्रॉक्साइड आयनों के साथ गठबंधन करते हैं। ठीक है, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, हाइड्रॉक्साइड आयनों के साथ गठबंधन करते हैं। चलिए आगे पॉइंट पर चलते हैं। जब इसे प्रति अम्ल के रूप में लिया जाता है तो यह आमाशय के अतिरिक्त अम्ल हाइड्रोक्लोरिक अम्ल या Cl को निष्क्रिय करके कार्य करता है, जो सीने में जलन और अपच जैसे लक्षण उत्पन्न करता है। ठीक है, आप इन सभी पॉइंटों को याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपकी परीक्षाओं की दृष्टि से। यहाँ पर देख लेते हैं रासायनिक अभिक्रिया, MgOH के होल ट्वाइस
टू एच सी एल, यहाँ पर तीर का निशान दिया गया है एम जी सी एल टू प्लस टू एच टू ओ, ठीक है। तो यहाँ पर देख लीजिए ये किस प्रकार कार्य करता है और कौन कौन सा पदार्थ बनाता है, ठीक है। यह इस प्रकार पेट में उत्पादित एसिड को बेअसर करता है और एंटासिड के रूप में भी काम करता है, ठीक है। एंटासिड के रूप में भी काम करता है, ठीक है। आप इन सभी पॉइंटों को याद रखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो चलिए दोस्तों आगे चलते हैं। निम्न में से कौन एक एंजाइम नहीं है बताइए फ्रेंड, लाइपेज, एमाइलेज, गैस्ट्रिन, ट्रिप्सिन, बताइए फ्रेंड। राइट आंसर रहेगा गैस्ट्रिन। गैस्ट्रिन जो होता है वो हमारे पाचन तंत्र द्वारा भोजन को पचाने के लिए बनाया जाता है, ठीक है। तो आप इसको याद रखिए, और ट्रिप्सिन, एमाइलेज और लाइपेज जो होता है वो एंजाइम है, ठीक है। तो यहाँ पर ध्यान रखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न का, ठीक है। चलिए नेक्स्ट। ट्रिटियम निम्नलिखित में से किस तत्व का आइसोटोप है बताइए फ्रेंड। राइट आंसर होगा हाइड्रोजन का आइसोटोप है। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ट्रिटियम जो है हाइड्रोजन का आइसोटोप है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए इसके देख लेते हैं इंपोर्टेंट पॉइंट। यहाँ पर आपको दिया गया है ट्रिटियम हाइड्रोजन का एक समस्थानिक है, ठीक है, समस्थानिक है या आइसोटोप है, ठीक है। उसके आइसोटोप में क्या होता है कि आइसोटोप में जो परमाणु संख्या होती है ना वो समान होती है, ठीक है, परमाणु भार चेंज होता है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ट्रिटियम हाइड्रोजन का एक समस्थानिक है या आइसोटोप है। इसके नाभिक में एक प्रोटॉन और दो न्यूट्रॉन होते हैं, जो इसे हाइड्रोजन के अन्य समस्थानिकों प्रोटियम और जिसमें कोई न्यूट्रॉन नहीं है, प्रोटियम में कोई न्यूट्रॉन नहीं है और ड्यूटेरियम में जिसमें एक न्यूट्रॉन होता है से अलग करता है। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, समझने का कोशिश कीजिएगा, इसे हाइड्रोजन के अन्य समस्थानिकों प्रोटियम और ड्यूटेरियम से अलग करता है, ठीक है। तो यहाँ पर इस प्रकार हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। ट्रिटियम जिसे टी आई एच थ्री के नाम से जाना जाता है को हाइड्रोजन के समस्थानिक के रूप में जाना जाता है, ठीक है, या आइसोटोप के रूप में जाना जाता है, ठीक है। तो आप इस पॉइंट को याद रखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपकी परीक्षाओं की दृष्टि से। चलिए आगे चलते हैं। जिसका परमाणु भार लगभग 3 होता है, इसके नाभिक में मुख्य रूप से एक प्रोटॉन और दो न्यूट्रॉन होते हैं, इसका द्रव्यमान सामान्य हाइड्रोजन के नाभिक का 3 गुना होता है, ठीक है। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हाइड्रोजन के नाभिक का 3 गुना होता है, ठीक है। चलिए फ्रेंड अगले प्रश्न पर चलते हैं। तापमान के बढ़ने पर ध्वनि का वेग में क्या परिवर्तन होता है बताइए फ्रेंड। राइट आंसर होगा बढ़ता है। तापमान बढ़ने पर ध्वनि का वेग जो होता है वो ना बढ़ता है, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर रहेगा। चलिए नेक्स्ट। नेक्स्ट है, एक ट्रांजिस्टर में क्या होता है फ्रेंड बताइए। उत्सर्जक की लंबाई संग्राहक से अधिक होती है, संग्राहक की लंबाई उत्सर्जक से अधिक होती है, संग्राहक और उत्सर्जक दोनों की लंबाई समान होती है, इसमें से कोई नहीं, बताइए फ्रेंड कौन सा ऑप्शन सही रहेगा। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। एक ट्रांजिस्टर जो होता है ना उसमें संग्राहक की लंबाई उत्सर्जक, यहाँ पर दिया है उत्सर्जक की लंबाई से अधिक होती है, ठीक है, यहाँ पर राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए फ्रेंड आगे चलते हैं। लेंज का नियम किसके संरक्षण पर आधारित है बताइए दोस्तों। राइट आंसर होगा केवल ऊर्जा संरक्षण पर आधारित है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। लेंज का नियम ऊर्जा संरक्षण के नियम पर आधारित है। लेंज के नियम में प्रेरित धारा का हमेशा उस कारण का विरोध किया जाता है जिससे वह उत्पन्न होती है, ठीक है। आप इस पॉइंट को याद रखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपकी परीक्षाओं के लिए। एक नेक्स्ट पॉइंट और है, इसलिए विरोधी बल के विरुद्ध अतिरिक्त कार्य किया जाता है, ठीक है। जो हमारा धारा उत्पन्न होता है वह जिस कारण उत्पन्न होता है फ्रेंड उसी का विरोध करता है, ठीक है, लेंज का नियम यही कहता है, ठीक है। चलिए फ्रेंड अगले प्रश्न पर। निम्न में से कौन सा विटामिन रक्त के थक्के बनाने के लिए आवश्यक है बताइए दोस्तों। राइट आंसर होगा विटामिन के, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन एस्कार्बिक एसिड का प्रचुर स्रोत है बताइए दोस्तों। एस्कार्बिक एसिड का प्रचुर स्रोत है कौन है। राइट आंसर होगा संतरा, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है, मशरूम किस प्रकार के जीवों से संबंधित है बताइए दोस्तों। राइट आंसर हो जाएगा कवक, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए इसके इंपोर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं, आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ पर दिया गया है, अपने स्वयं के भोजन का उत्पादन करने में असमर्थ होता है इसलिए वे अन्य स्रोतों से अपना पोषण प्राप्त करता है। पौधों की तरह दिखाई देते हैं लेकिन ये जानवरों से संबंधित होते हैं। हवा में, पानी में, जमीन पर, मिट्टी में और पौधों और जानवरों पर हर जगह मौजूद रहते हैं, ठीक है फ्रेंड। तो आप इस पॉइंट को याद रखिए, कवक वर्ग में जीवों में मशरूम, खमीर, फफूंदी, जंग, यहाँ पर कंदूक, कुकुरमुत्ता, गुच्छी, फफूंदी शामिल है, ठीक है।
इन सभी पॉइंटों को याद रखिएगा। कवक वर्ग में जितने भी जीव हैं उन सभी को यहाँ पर दे दिया गया है, इसको याद कर लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहाँ से प्रश्न पूछा ही जाएगा। चलिए नेक्स्ट। आरएनए डीएनए से अलग होता है क्योंकि, क्यों होता है फ्रेंड बताइए। चार ऑप्शन आपके सामने दिया गया है, राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी सही से, ठीक है। जितने भी पॉइंट दिए गए हैं सारे सभी ऑप्शन सही हैं, ठीक है। इन सभी कारणों से ही आरएनए डीएनए से अलग होता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, आप एक बार इसको पढ़ लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट। नेक्स्ट है, शीतल पेयजल में कौन सी गैस घुली होती है, बताइए दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। शीतल पेयजल में कौन सी गैस घुली होती है, तो राइट आंसर होगा CO2, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। शीतल पेयजल जो होते हैं उसमें कार्बन डाइऑक्साइड घुली होती है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पेपर में पूछे जा चुके हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट। सोनार में किस प्रकार की तरंगों का प्रयोग किया जाता है, बताइए फ्रेंड, सोनार में किस प्रकार की तरंगों का प्रयोग किया जाता है, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। राइट आंसर होगा अल्ट्रासोनिक तरंगे, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं एक्स्ट्रा जानकारी के लिए। यहाँ पर आपको दिया गया है साउंड नेविगेशन एंड रेजिंग सोनार का फुल फॉर्म होता है, इसको याद कर लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिसका उपयोग किसी रास्ते में आने वाली बाधाओं का पता लगाने के लिए किया जाता है। इस विधि में अल्ट्रासोनिक तरंगे किसी पिंड द्वारा उत्सर्जित की जाती है। जब अल्ट्रासोनिक तरंगे या अल्ट्रासाउंड तरंगे अपने रास्ते में किसी वस्तु से टकराती हैं तो वे परावर्तित हो जाती हैं। परावर्तित ध्वनि तरंगों को उत्सर्जक पिंड एक रिसीवर के माध्यम से ग्रहण करता है, ठीक है। तो इस प्रकार ये कार्य करता है, ठीक है, सोनार, तो आप इसको याद रखिएगा। चलिए फ्रेंड अगले प्रश्न में चलते हैं। समुद्र के पानी में तैरना आसान क्यों होता है, बताइए दोस्तों, क्यों आसान होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा, समुद्र के पानी का घनत्व जो होता है ना, सामान्य पानी के घनत्व से कम होता है, सॉरी यहाँ पर गलत है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। समुद्र का जो पानी होता है सामान्य पानी से अधिक होता है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न का, ठीक है। समुद्र का पानी जो होता है दोस्तों ना, वो सामान्य पानी से अधिक होता है, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, ठीक है। चलिए फ्रेंड अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, जब प्रकाश को एक प्रिज्म से गुजारा जाता है तो सबसे कम विचलित होने वाला प्रकाश होता है, बताइए फ्रेंड कौन सा प्रकाश सबसे कम विचलित होता है। तो सबसे कम विचलित जो होगा उसका तरंग दैर्ध्य सबसे अधिक होगा, ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा लाल रंग, लाल रंग जो है ना उसका तरंग दैर्ध्य बहुत अधिक होगा इसलिए वह विचलित नहीं होता है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, लाल, ठीक है। चलिए नेक्स्ट। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक बहुलक है, बताइए दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। राइट आंसर होगा सेलुलोज, सेलुलोज जो है प्राकृतिक बहुलक है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। यहाँ पर आपको दिया गया है प्राकृतिक बहुलक में कौन कौन से हैं, चलिए देख लेते हैं। पौधों और जानवरों में प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले बहुलक को प्राकृतिक बहुलक के रूप से जाना जाता है, ठीक है। ये जैव बहुलक होते हैं जो प्राकृतिक वातावरण में पाए जाने वाले जैव निम्नकणीय बहुलक हैं, उदाहरण के लिए प्रोटीन दिया है, स्टार्च दिया है, सेलुलोज दिया है और रबड़ दिया है, ठीक है। इन सभी पॉइंटों को याद रखें, बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपकी परीक्षाओं के लिए। चलिए इसके कृत्रिम बहुलक देख लेते हैं। यहाँ पर आपका कृत्रिम बहुलक दिया गया है, मानव निर्मित बहुलक को कृत्रिम बहुलक के रूप में जाना जाता है। सबसे प्रचलित और आम तौर पर इस्तेमाल किया जाने वाला कृत्रिम बहुलक प्लास्टिक है, ठीक है। सबसे ज्यादा प्लास्टिक का उपयोग किया जाता है और यह कृत्रिम बहुलक है। इसका उपयोग विभिन्न उद्योगों और डेयरी उत्पादों में किया जाता है, ओके फ्रेंड, तो आप इन सभी पॉइंटों को याद रखिएगा। एग्जाम्पल के तौर पर देख लेते हैं, नायलॉन 6 6 PET पॉलिस्टर, ठीक है, यहाँ पर ध्यान दीजिए, पॉलिस्टर, पेट और नायलॉन 6, ठीक है, तो आप इन सभी पॉइंटों को याद रखिएगा। चलिए फ्रेंड आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है, अमोनिया का रासायनिक सूत्र क्या होता है, वेरी सिंपल प्रश्न, बताइए। राइट आंसर होगा NH3, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट। नेक्स्ट है, किस भौतिक राशि की इकाई पास्कल नहीं है, बताइए फ्रेंड, किस भौतिक राशि की इकाई पास्कल नहीं है, बताइए। चार ऑप्शन आपके सामने दिया गया है, राइट आंसर हो जाएगा जड़त्व आघूर्ण का, ठीक है। जड़त्व आघूर्ण का जो इकाई है ना वो किलोग्राम मीटर पर स्क्वायर, ठीक है फ्रेंड, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, जड़त्व आघूर्ण की जो मात्रक है वो किलोग्राम मीटर स्क्वायर है, ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। और दबाव, तनाव और यंग का मापांक तीनों का इकाई जो है पास्कल है, ठीक है, तो आप इसको याद रखिए, बहुत ही
इम्पोर्टेंट है, ऐसे प्रश्न पेपर में पूछे जाते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। भोपाल गैस त्रासदी में गलती से निकली जहरीली गैस कौन सी थी, बताइए फ्रेंड। भोपाल गैस त्रासदी में गलती से निकली जहरीली गैस कौन सी थी, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। राइट आंसर का मिथाइल आइसोसाइनाइड, यहाँ पर मिथाइल रहेगा फ्रेंड, ध्यान दीजिए, थोड़ा गलती हो गया लिखने में, मिथाइल आइसोसाइनाइड होगा। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न का। चलिए दोस्तों, इसके इंपोर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। यहाँ पर दिया गया है 2 दिसंबर 1984 को भोपाल की यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री से मिथाइल आइसोसाइनेट या एमआईसी गैस लीक हुई थी। इस जहरीली गैस ने शहर की बड़ी आबादी को अपनी चपेट में ले लिया था। ठीक है, बहुत ही खतरनाक मिथाइल आइसोसाइनेट गैस थी। ठीक है फ्रेंड, तो आप इसको याद रखिएगा, यह घटना कब घटी, 2 दिसंबर 1984 को घटी भोपाल में यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री से। ठीक है, चलिए फ्रेंड अगले प्रश्न पर। अवतल दर्पण द्वारा बना वास्तविक प्रतिबिंब वस्तु से छोटा होता है, यदि वस्तु है कहाँ पर वस्तु रहेगा तो वास्तविक प्रतिबिंब जो है बहुत छोटा बनेगा, बताइए फ्रेंड, वस्तु से बहुत छोटा बनेगा। तो राइट आंसर हो जाएगा वक्रता त्रिज्या से अधिक दूरी पर, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आप ध्यान दीजिएगा, अवतल दर्पण द्वारा जो वास्तविक प्रतिबिंब बनता है, यदि वस्तु से एकदम छोटा चाहिए तो वक्रता त्रिज्या से अधिक दूरी पर वस्तु को रखना होगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न पर। श्वेत प्रकाश कितने रंगों से मिलकर बना होता है, तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा 7, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। सफेद प्रकाश इंद्रधनुष के 7 रंगों से बना होता है, जिसे तब देखा जा सकता है जब सफेद प्रकाश एक प्रिज्म के माध्यम से गुजरता है। वे रंग लाल, नारंगी, पीले, हरे, नीले और बैंगनी होते हैं। ठीक है, तो आप इसको याद रखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है, डायलिसिस किससे संबंधित है, बताइए दोस्तों, डायलिसिस किससे संबंधित है। राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर यकृत वृक्क से संबंधित है। ठीक है, यकृत से संबंधित है, अर्थात वृक्क से संबंधित है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए इसके इंपोर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं, डायलिसिस क्या होता है, कहाँ पर यूज होता है। यहाँ पर दिया गया है आपको इंपोर्टेंट पॉइंट में, अपोहन या डायलिसिस रक्त शोधन की एक कृत्रिम विधि है। डायलिसिस की एक प्रक्रिया को तब अपनाया जाता है जब किसी व्यक्ति के वृक्क यानी गुर्दे सही से काम नहीं कर रहे होते हैं। गुर्दे से जुड़े रोगों, लंबे समय से मधुमेह के रोगी, उच्च रक्तचाप जैसी स्थितियों में कई बार डायलिसिस की आवश्यकता पड़ती है। ठीक है फ्रेंड, तो आप इस पॉइंट को याद रखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपकी परीक्षाओं की दृष्टि से। चलिए नेक्स्ट। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसे वुड एल्कोहल के नाम से जाना जाता है, बताइए दोस्तों, निम्नलिखित में से किसे वुड एल्कोहल के नाम से जाना जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों मेथेनॉल को। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, मेथेनॉल को वुड एल्कोहल के नाम से जाना जाता है। ठीक है, चलिए इसके इंपोर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। यहाँ पर आपको दिया गया है